देखो ट्रिगोनोमेट्रिक पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग किस पर बात कर रहे थे? ट्रिगोनोमेट्रिक पर हम लोग बात कर रहे थे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक में तीन साइड के मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और किसी भी ट्रेंगल में, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग जब इसको अप्लाइड किए तो राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग मान के चले, हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल मान के चले और उस पर ही अप्लाई किए, बट आगे चल के धीरे धीरे सभी ट्रेंगल में हम लोग अप्लाई करते चले गए, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में बस सिंपल सा ये है कि हम लोग तीन साइड के मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसका जैसे हम लोग बोला जाए कि ट्रिगोनोमेट्रिक का हम लोग जैसे इसका हम लोग कैसे खोज किए, हम लोग कब उसको अप्लाई करने लगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग कब लगाए, ठीक है। तो बोला जाए कि जैसे तुमको इन ट्रेंगल एबीसी, ये हमारा ट्रेंगल है एबी, अब दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चे को? क्या बेटा दिखाई दे रहा है ना सभी को एक बार? हाँ ठीक है, चलो जैसे बोला जाए इन ट्रेंगल एबीसी, हमारा एक ट्रेंगल है एबीसी, हम माने कि ये एबीसी ट्रेंगल है, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये सी है। सबसे पहले याद रखना कि ट्रेंगल का जो नामकरण होता है, उसका नेमिंग जो हम लोग करते हैं, वो डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। वो डायरेक्शन में ऐसा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नेमिंग ऐसे कर देते हैं, ट्रेंगल तो ले लिए, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ लिख दिए और यहाँ लिख दिए, नामकरण हम ऐसे नहीं कर सकते। नामकरण कभी भी करना होगा ट्रायंगल का, उसका नेमिंग करना होगा, तो डायरेक्शन हर हाल में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं करना नेमिंग। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए तो यहाँ बी लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर सपोज दैट हम यहाँ पर ए लिखे हैं, हम लोग यहाँ पर ए लिखे हैं, ए लिखे हैं, तो यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन अपना हर हाल में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। नेमिंग जब भी करेंगे ट्रायंगल का, जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, जो भी नाम हो, ए बी सी पी क्यू आर, जो भी नाम दिया हो, तो डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो हम ट्रायंगल माने कि ये ए बी सी है, तो इसमें हम इसका नाम रखें क्या, ए बी सी, तो डायरेक्शन मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इस ट्रायंगल में, ठीक है, हम तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ताकि हम जानना चाहते हैं कि तुम लोग क्या क्या आता है और क्या क्या सीख के आए हो। इस ट्रेंगल में तुमसे कोई पूछ दे कि कितना इस ट्रेंगल का पार्ट है, तो बताओ तो कितना पार्ट है इस ट्रेंगल का, हाउ मेनी पार्ट्स इन ट्रेंगल एबीसी, रिप्लाई देगा बेटा मेरे को मैसेज करके। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है कि इस ट्रेंगल में कितने पार्ट्स हैं इस ट्रेंगल के। जैसे मेरे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर में कितने पार्ट है, चैतन्य थ्री, ठीक, एक बच्चे का आंसर है थ्री, थ्री सानिका दिशा हर्षदा थ्री, ठीक, और कोई बच्चा बहादुर भूमिका थ्री, ठीक, और कोई बहादुर बच्चे, और कोई बहादुर बच्चा कि इस ट्रायंगल में कितना पार्ट्स है, पार्ट्स पूछ रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज पूछ रहे हैं हम। इस ट्रायंगल में थ्री, श्रुति थ्री, ठीक है, और कोई, सुयेश थ्री, वेरी गुड बेटा, और कोई बहादुर बच्चा है जो अपना आंसर बोलना चाहेगा? थ्री, रेणुका, बेटा फंस गए तुम लोग, हट फंस गए। इस ट्रेंगल में थ्री पार्ट्स नहीं है, देखो, हाँ, गुंजन सिक्स, थ्री थ्री, देखो इसमें थ्री पार्ट्स नहीं है बेटा, सिक्स। अभी दो बच्चे हमको रिप्लाई दिए, मैसेज आगे चला गया, नाम नहीं पढ़ पाए, दोनों बच्चे का आंसर सही था, इस ट्रायंगल में सिक्स पार्ट्स है। बेटा मेरे से पूछेगा इस ट्रायंगल में साइड कितना है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम साइड बोलेंगे तो तीन साइड हो गया, एक हो गया ए बी साइड, दूसरा होगा बी सी साइड और तीसरा होगा ए सी साइड, तीन साइड होगा। अब मेरे से पूछेगा इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, तो हम बोलेंगे तीन एंगल है, एक एंगल ए, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी, तो तीन साइड और तीन एंगल दोनों मिलाएंगे तो कितना पार्ट हो गया, सिक्स। तो लोग कैसा बच्चा है जो तीन तीन आंसर बोल रहा है मेरे को, थ्री थ्री है, कहाँ दिमाग लगा रहा है तो लोग। तो
तो टोटल सिक्स पार्ट्स हो गए ना, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर थ्री बताए हैं, जबकि कितना बेसिक क्वेश्चन है, टेंथ क्लास का सब बेस बहुत ही बेसिक है। इस ट्रेंगल में तेरे से ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तेरे घर में कोई छोटा बच्चा तेरे से पूछ दे तो तेरा तो बेइज्जती हो जाएगा बेटा। इस ट्रेंगल में कितना पार्ट है, तू बोलेगा थ्री, इस ट्रेंगल में सिक्स पार्ट होंगे, थ्री हमारा साइड होगा ए बी बी सी ए सी, तीन साइड और तीन हमारा एंगल, एंगल को हम कहां यही ना काउंट करेंगे क्या, एंगल को इसी में ना काउंट करेंगे, तो तीन और तीन कितना हुआ छह, तो तेरे से कोई पूछा कितने पार्ट, तो सिक्स पार्ट, ट्रेंगल का टोटल पार्ट हमारे कितने होते हैं, सिक्स होते हैं, क्लियर है, आ रहा है समझ में, बोलो। हाँ ठीक है, तो इसके आगे बात करते हैं। हाँ तो स्टार्टिंग में जब ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग यूज करने लगे, अप्लाई करने लगे ट्रायंगल पर, हाँ देखो अब आगे, देखो आगे मेरी बात को सुनेगा, जब हम लोग स्टार्टिंग टाइम में शुरू शुरू में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक अप्लाई करने लगे ट्रायंगल, तो हम लोग मैक्सिमम ट्रायंगल सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को जो है ना उसका एक एंगल को 90 डिग्री मान के हम लोग मेजर करने लगे। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में, फिर बाद में धीरे धीरे सभी सभी ट्रेंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक यूज करने लगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग में जब हम लोग कर रहे थे तो इन ट्रेंगल ए बी सी, तो हम लोग मानते थे कि ए बी सी ट्रेंगल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, नामकरण हमारा एंटी क्लॉकवाइज ए बी और सी, और हम लोग इसको दिखाते थे कि ये इस टाइप से है ना, ये मेरा 90 डिग्री है, हम लोग मान के चलते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट हम लोग मानते हैं कि इस टाइप से ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्रेंगल में इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री मान के चलते थे, मान के हम लोग चलते हैं कि ये एंगल हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, आ रहा बात समझ में, बोलो। जानता है क्यों मान के चलते थे, हाँ देखो जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का खोज हुआ तो हम लोग 90 डिग्री ही क्यों मान के चलते थे, देखो उसके पीछे भी रीजन है। जैसे हमको बोल दिया जाए, तो मेरा बात को ध्यान से सुनेगा, जैसे बोला जाए कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और एक जहाज उड़ रहा है आसमान में, एक जहाज आसमान में उड़ रहा है, और इस जहाज को हम यहां से बैठ के तार रहे हैं, इस जहाज को हम यहां से बैठ के इसको तार रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं हम इस जहाज को, और ये जो जहाज है ठीक एक पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम जहां बैठे हैं यहां से 300 मीटर है, हम जहां बैठे हैं वहां से कितना मीटर है, 300 मीटर है, हम जहां बैठे हैं वहां से ये 300 मीटर है, तो हम देख रहे हैं कि जो जहाज है ना मेरा, ये जहाज मेरा इसी पॉइंट के सेम ऊपर में है। हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो मेरा जहाज है, ये जहाज मेरा इसी पॉइंट के सेम ऊपर में है, तो हम इसको यहां से क्या कर दिए, इसको ऐसे मिला देते थे। तो देखो हम लोग को बोला गया कि हम यहां बैठे हुए हैं और ये जहाज यहाँ उड़ रहा है, तो बताइए कि यहां से यहाँ का जो ये जो जहाज है ये हमारा क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मेजर कीजिए कि यहां से जहाज का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो हम लोग क्या किए, ट्रिगोनोमेट्रिक वहां अप्लाई हुआ, ठीक ना, सबसे पहले यही सबसे यहीं से खोज हुआ था इसी सब चीज से, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा एरोप्लेन उड़ रहा है जहाज, ठीक ना, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या सोचे कि ये जो जहाज है एक पॉइंट है इसी पॉइंट के सेम ऊपर में है, हम लोग मान के चले, तभी उस टाइम में हम लोग माने कि एक यहां पॉइंट है इसी पॉइंट के सेम ऊपर में ये जहाज मेरा उड़ रहा है, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम जहां बैठे हैं यहां से 300 मीटर है, ये पॉइंट जहां हम बैठे हैं वहां से कितना मीटर है, 300 मीटर, तो बताओ इस पॉइंट से जहाज की दूरी क्या होगी, इस पॉइंट से जहाज की दूरी क्या होगी। तो हम लोग एनी टाइम माने कि ये वाला एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है,
इस वाले एंगल को हम लोग लिए, ये एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा, 34 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा, 37 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता है ये हमारा। फिर यहां से हम लोग क्या निकाले, डिस्टेंस निकाले कि जहाज हमारे कितनी ऊंचाई पर है, हमारे यहां से जहाज की क्या डिस्टेंस है। आ रहा है समझ में बात, आ रहा है समझ में? यस। तो फिर हम लोग क्या किए उस टाइम में, उस टाइम में हम लोग क्या किए कि हम लोग माने कि ये एंगल जो है ना, ये हर हाल इस एंगल को हम लोग फिक्स कर दिए कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। इस एंगल को हम क्या किए, फिक्स किए कि ये एंगल जो है ये मेरा हर हाल में 90 डिग्री है, मतलब ये पॉइंट के ऊपर ही मेरा जहाज है, मतलब इसको हम फिक्स किए, इसको मान लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक जो अप्लाई करने लगे ना, तो राइट एंगल में ही अप्लाई करते थे सबसे पहले, लेकिन धीरे 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 सभी जितने तरह का ट्रायंगल है ना सभी में अप्लाई होने लगा, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में राइट एंगल पर ही अप्लाई करते थे। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग मान के चले कि ये एंगल क्या है, इस टाइप से अगर देख ले तो इसको हम लोग बोलते थे 90 डिग्री। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो अब देखो आप समझो। हाँ, तो इसको हम लोग माने 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर समझो, और हम लोग क्या माने कि इस 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा, ये वाला जो हम यहां से बैठ के इसको तार रहे हैं, ये वाला जो साइड है, ये साइड मेरा हाइपोटेनस, इसका नाम दिए हम लोग, इसका नाम हम लोग दिया है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री है, इसका जो ये वाला साइड है जो 300 मीटर है, मतलब इस पॉइंट से यहां का जो डिस्टेंस, इस वाले साइड का हम लोग नाम दिए बेस, इसका नाम हम लोग क्या दिए, बेस, कि ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा क्या है, बेस है, मतलब हम लोग हम यही ना बैठ के इसको उतार रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक ना। और ये वाला जो हो गया, ये वाला साइड, ये तो 90 डिग्री हुआ, इसको हम माने कि ये मेरा परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो हम लोग साइड का कैसे कैसे नाम बोले, परपेंडिकुलर कौन सा साइड, हाइपोटेनस कौन सा साइड, बेस कौन सा साइड होगा, समझ में आ रहा है? बोलो। यस, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को तुम लोग बताएगा कि एक बच्चा छत पर बैठा हुआ है, अपने घर के छत पर बैठा हुआ है, ठीक है, और छत से नीचे एक हमारा यहाँ पर कार है, इस कार को वो देख रहा है, ठीक है, छत से नीचे एक कार है, वो अपने इस कार को देख रहा है। बोला जाए ये कार जो है, ये बच्चा जो बैठा है, यहां से यहां इसका एक डिस्टेंस है, यहां से यहां कुछ डिस्टेंस होगा, इसी इसी पॉइंट के समतुल है ये, तो बोला जाए ये बच्चा यहां से देख रहा है, ठीक है, तो बताओ इसमें से हमारा, इसका नाम हम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। तो मेरे को बताओ इसमें से कौन सा साइड हमारा बेस होगा, बेस हमको बताओ तो कौन सा साइड हमारा बेस है, बी सी, बी सी साइड को हम बेस काउंट करेंगे, बी सी, बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है बी सी साइड, बी सी साइड को बेस काउंट करेंगे, नहीं बेटा फंस गए, तो हम क्या बोले, ए सी, सानिका ए सी, ए सी साइड को हम बेस काउंट करेंगे, नहीं बेटा तुम भी फंस गए, ए बी, हम क्या बोले बार बार कि हम जहां पर बैठे हुए हैं, जैसे ये आदमी है ना, कोई भी है, एमएन मैन, एक आदमी, ये जहां पर बैठा हुआ है यही हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये छत पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो साइड हुआ, ये वाला साइड क्या कहलाया, बेस कहलाया, ए बी वाला साइड हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ये हमारा छत से बैठ के इस कार को उतार रहा है, तो इसका अपोजिट वाला साइड हमारा क्या कहलाएगा, देखो यहां पर हम लोग यहां पर बैठ, यहां से इस एरोप्लेन को देख रहे थे, देख रहे थे ना,
एरोप्लेन को देख रहे थे, तो हम यहां से जो देख रहे थे तो इसका अपोजिट वाला साइड हमारा क्या कहलाया, परपेंडिकुलर। हम यहां से देख रहे थे ना एरोप्लेन को यहां पर, तो यहां से इसका जो अपोजिट वाला साइड है ये वाला साइड हमारा क्या कहलाया, परपेंडिकुलर। तो हम छत पर बैठ के इस कार को देखेंगे तो इसके अपोजिट वाला साइड हमारा क्या कहलाएगा, बीसी वाला साइड, ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। आ रहा बात समझ में, ये मेरा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ये, और देखो 90 डिग्री जो है ना इसका अपोजिट वाला जो साइड है ना ये हर हाल में हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। आ रहा है बात समझ में बेटा, नहीं आ रहा है समझ में? दिशा यस, सानिका यस, आ रहा बेटा, बहादुर जितने हैं, गुंजन, हर्षद, आ रहा सभी को समझ में? चलो वेरी गुड। हाँ देखो तुम लोग मान लेना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हम लोग एच बोल रहे हैं, बेस को हम लोग कैपिटल बी बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर को पी बोल रहे हैं, ठीक है, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, बी से बेस, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, बेस है तो इस वाले साइड को हम लोग बेसी लिख दो, कहें कि यहां पर एक बी हम लिखे हुए हैं तो बेसी रख दो, ठीक है। ऐसे हम लोग बेस को कैपिटल बी से डिनोट कर देंगे, हाइपोटेनस को एच से, परपेंडिकुलर को पी से। तो बहुत ही बेसिक चीज है बेटा, नोट करेगा इसको। अच्छा यहां पर वही, तो अच्छा सेम ही चीज है, नोट करो बेटा इसको एक बार। नोट होने के बाद रिप्लाई दे देना मेरे को थोड़ा सा। कंप्लीट हो गया सभी बच्चे का नोट, कंप्लीट, ठीक है। चलो देखो देखो सबसे पहला बात कि हम लोग सीखे क्या कि कोई भी राइट, देखो 90 डिग्री बोल देने का मतलब किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री बोलने का मतलब क्या हो गया, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हुआ कि नहीं? टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी ट्रायंगल है उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री अगर हम मान के चल रहे हैं तो उस ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लो, अगर उसमें तुम एक एंगल को अगर 90 डिग्री मान लिया तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो बोला जाए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी, अब किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, ट्रायंगल हमारा ये हो, ठीक है, ट्रायंगल हमारा ये हो। अब देखो ना इसमें हम थोड़ा सा तुमको ये करते हैं, तुमको ही आंसर देना है इसमें अभी, ये ट्रायंगल हमारा ये हो, ठीक है, हम इस ट्रायंगल में इसको 90 डिग्री मानते हैं, इसको 90 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम इसको 90 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका नामकरण भी कर देते हैं, नाम लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा हो गया, इसका नाम लिख दो ए बी सी, ठीक है, इसका नाम तुम दे दो, ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये तुम नाम दे दो, इसका भी नाम दे दो,
ए बी सी ही लिख दो, ए बी सी ही लिख दो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल में, ये पहला वाला ट्रायंगल, फर्स्ट वाला फिगर में, ये फर्स्ट वाला फिगर है, ये सेकंड वाला फिगर है, ये थर्ड वाला फिगर है, ठीक है। हम जानना चाह रहे हैं कि तुम लोग समझ पाए कि नहीं, ये 90 डिग्री है बेटा, तुम लोग मेरे को बताएगा कि फर्स्ट वाला ट्रायंगल में कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा, फर्स्ट वाला ट्रायंगल में कौन सा साइड हाइपोटेनस, ए बी, ए बी, सभी बच्चे का रिप्लाई आ रहा है ए बी, मतलब इस साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है, ए बी साइड हमारा हाइपोटेनस, कभी भी 90 डिग्री का अपोजिट साइड एनी टाइम हाइपोटेनस, तो ये वाला साइड बेटा हो गया हाइपोटेनस एच, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहां पर दो एंगल बचा, एक एंगल ये बचा, एक एंगल ये बचा, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कहां पर बैठ के देख रहा है, तुम यहां बैठ के देख रहा है कि यहां बैठ के देख रहा है, ये तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तुम कोई भी चीज देख रहे हो, किसी भी चीज को तुम तार रहा है बैठ के, तो तुम कहां बैठ के देख रहा है, इस पोजीशन पर कि इस पोजीशन पर, वो तेरे पर डिपेंड कर रहा है। सपोज दैट कोई बच्चा यहां पर बैठ के तार रहा है किसी चीज को, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा, जहां बैठ के तारेगा उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया लास्ट में वो हमारा हो गया बेस। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया, समझ में, यस ठीक है। इस ट्रायंगल में, सेकंड वाला ट्रायंगल में, सेकंड वाला ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल में आते हैं बेटा, यहां पर 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा बता दो मेरे को जल्दी से, पी आर, वेरी गुड दिशा, पी आर, ये पी आर साइड हमारा क्या होगा सानी का, पी आर, पी आर साइड हमारा हो जाएगा क्या हाइपोटेनस, तो इसको हम एच नाम दे दिए, ये मेरा हो गया एच हाइपोटेनस एच। अच्छा बेटा ये मेरा हाइपोटेनस हो गया पी आर साइड, अब तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम तार कहां से रहे हैं, पी से या आर से। कोई बोलेगा कि नहीं सर हम आर पर बैठ के यहीं बैठ के तारेंगे, आर पर बैठ के ही, तो आर की पर बैठ के देखे तो इसका अपोजिट साइड तो ये हो गया ना पी वी, पी क्यू, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। मतलब तुम जहां बैठ के तार रहा है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया बेटा, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया बेस। बेस तो अच्छे से याद रहेगा, कहेंगे बेस एकेडमी में हो तो, ठीक ना, बेस तो भूलोगे ही नहीं कभी, जहां बैठे हो वो तुम्हारा बेस हो गया। आ रहा समझ में, बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें, यस हाँ। इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ए बी साइड हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, ए बी साइड हमारा हाइपोटेनस। अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे मन पर डिपेंड कर रहा है कि हम कहां बैठे हुए हैं, ए पर है कि बी पर है। अगर हम ए पर रहेंगे, ए पर बैठ के तारेंगे किसी भी चीज को, तो इसका अपोजिट साइड ये बीसी वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा बेटा, बीसी वाला साइड हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस। सिंपल सा बात है, जहां पर हम बैठते हैं वही वाला बेस कहलाएगा ना, तो हम बैठे हुए हैं ए वाला एंगल पर, तो बेस हमारा एसी साइड हुआ, समझा बात। हम यहां बैठे हुए हैं आर वाला एंगल पर, तो बेस हमारा क्यू आर वाला साइड हो गया। हम यहां पर बैठे हुए हैं ए वाले एंगल पर, कहां बैठे हुए हैं ए वाले एंगल पर, तो बेस हमारा यहां एसी हो गया। हम ए बी को क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए बी जो साइड है इसका अपोजिट एंगल 90 है, तो ये तो हाइपोटेनस होगा। आ रहा है बात समझ में, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, यस हर्षदा, चलो ठीक है, सभी बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है, बहुत ही बेसिक चीज है ये सब, समझ में आना भी चाहिए। हाँ चलो इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे थोड़ा बात करते हैं हम, देखे अभी देखो हम लोग राइट एंगल पर बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जितना ट्रायंगल लिखे हैं सब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेरे को ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर तीन साइड हुआ, एक हमारा परपेंडिकुलर, एक हमारा बेस, एक हमारा हाइपोटेनस, तीनों साइड में से हमारा ग्रेटर साइड कौन सा होगा, परपेंडिकुलर ग्रेटर होता है,
कि बेस ग्रेटर होगा कि हाइपोटेनस ग्रेटर होता है, टेंथ क्लास में पढ़ के आया होगा। किसी भी ट्रायंगल तीन साइड है, एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर, दूसरा साइड हाइपोटेनस, तीसरा साइड बेस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तीनों साइड में हमारा सबसे ग्रेटर क्या होता है, हाइपोटेनस एच। तो कोई बेसिक चीज है, ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका सबसे ग्रेटर साइड हमारा हाइपोटेनस वाला साइड होगा हर हाल में, ठीक है। अच्छा, अब हमको जैसे बोला जाए, अच्छा अब देखो सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन तुमसे हम पूछ रहे हैं। जैसे ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। देखो लॉजिक, एक साइड हमारा 3 है, दूसरा साइड 4 है, तीसरा साइड 5 है। अब इसका नाम हो गया ए, नामकरण कर दे ए बी सी। हमसे बोला कि यहां पर कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर एंगल है, कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर होगा, एंगल ए कि एंगल बी कि एंगल सी। एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए। देखो जो साइड हमारा ग्रेटर है, जो साइड हमारा ग्रेटर है उसका अपोजिट एंगल भी तो ग्रेटर होगा, तो हर हाल में एंगल ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों तो मेरा एक्यूट एंगल ही आएगा ना, तो ये दोनों एंगल जो है एक्यूट एंगल आएगा, तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा ना, क्या होगा कि नहीं होगा, आ रहा बात समझ में। अब जैसे तुमको दे देगा क्या, कोई भी तीन साइड दे देगा, कोई भी 3 साइड देगा, अब तुमको बोलेगा, जैसे तुमको दे दिया, तुमको दे दिया कि ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, समझने वाली बात है। यहां पर ये P, ये Q, ये R, ठीक है। मेरे को बोला क्या कि PQ साइड जो है ना, PQ साइड हमारा ग्रेटेस्ट साइड है, ग्रेटेस्ट साइड है, PQ साइड हमारा सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, ये तीनों साइड में PQ, QR, PR, ये तीन साइड है, तो तीनों साइड में से, तीन साइड है, तो तीन साइड में से मेरे को बोला कि PQ साइड हमारा ग्रेटेस्ट साइड है, तो मेरे को बोला कि PQR में से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, R, R, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, R, कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर होगा, R, जो साइड ग्रेटेस्ट है उसका अपोजिट एंगल भी हमारा ग्रेटेस्ट एंगल होगा, ठीक है, एकदम याद रखना। इसको नोट करके भी कहीं लिखना है तो लिख सकता है, अपने भाषा में, अपने भाषा में तुम लिख सकता है इस चीज को कि कोई साइड अगर हमारा ग्रेटेस्ट साइड है तो उसका अपोजिट एंगल भी हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर है बेटा, यहां तक बताओ, आया समझ में, यस, हाँ। तो यहीं तक रहने दो बेटा, आज की क्लास में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और दूसरी बात, सेकंड इम्पोर्टेंट बात, कल हम थोड़ा बिजी हैं, कल की क्लास, ठीक है, कल हम नई क्लास लेने वाले हैं तुम्हारा, हम कल हम पूरा थोड़ा सा बिजी हैं, कल मेरे को टाइम नहीं है, कल पूरा हम छुट्टी पर रहने वाले हैं, पूरा कल पूरा छुट्टी पर हैं हम, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल वेडनेसडे है, थर्सडे, थर्सडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो सेम टाइमिंग है इसी टाइमिंग में, ठीक है, आ रहा है समझ में सभी बच्चे को, ओके, हाँ, तो कल का क्लास हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, कुछ काम है मेरे को कल, तो कल हम छुट्टी पर हैं, तो कल का क्लास नहीं रहेगा, उसके क्लास हम नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आओ बेटा बाय, आओ नेक्स्ट क्लास, इसके आगे हम लोग देखो, आओ ना, अभी अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, अभी तुम हमको कुछ दिन टाइम दो, फिर तुमको खुद मालूम चलेगा कि हम जो सीख रहे हैं वो कितना बेहतरीन और कितना अच्छी चीज सीख रहे हैं, ठीक है, अभी तो आज पहला क्लास ही था, ठीक है, कल तो नहीं लेंगे क्लास, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थर्सडे से, और थर्सडे से कंटिन्यू क्लास चलेगा, ठीक है, तो फिर तेरे को सिखाते हैं एक से एक बेहतरीन चीज, ठीक है, बाय, और नेक्स्ट क्लास तो
बाय सर।